तो बस ही शुक्र है कि ये लाला ने सवाल भी पूछा था कि अरे इतने सारे लोगों को रखना, एक उसका ख़र्चा तो होता है, महंगाई का दौर है हर चीज़। सो आप क्या सगात वगैरह लोग दे रहे होते हैं, चैरिटी उसके थ्रू चल रहा होता है? बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट के सालों में तो मेरे बच्चों का बहुत अच्छा बिजनेस था, वो चल रहा था, उसी से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जिस तरह लोग आते गए और पता चलता गया, फिर अभी को 2-3 साल हो गए हम लोगों ने यूट्यूब पर वो सारा सिलसिला किया। मैं खुद काम करती हूँ, मैं रमज़ान के महीने सहरी अफ्तारी मैं खुद बनाती हूँ इनके लिए अपने हाथों से, मैं बाहर का इनको खिलाती हूँ क्योंकि सब रोज़े रखते हैं। मेरा दिल करता है कि इनको मनोसलवा दूँ क्योंकि कुछ पता नहीं है। मैंने अपना हिसाब आसान करना है, मैंने अपनी कब्र रोशन करनी है। मेरी कोशिश है कि अल्लाह मुझे ना कोई एक भी किसी माँ की दुआ लग जाए ना तो मेरी कब्र रोशन हो जाए, तो बस ये। या दुनिया में मैं ऐसे आंसू छोड़ के जाऊँ कि लोग जब मुझे याद करें तो आंसू बहाएं कि काश फरजाना ज़िंदा होती तो हम अपनी माँ छोड़ते, या ऐसे करते, तो उनके आंसू जो है ना वो मेरी कब्र की मिट्टी को ठंडा करें। मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं। मैं इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ कि नहीं, मेरी 62 एज है, मैं 62 साल की हूँ, लेकिन अभी भी मैं जवान, अपनी बहू से मैं एक्टिव हूँ।